फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल शर्मा। मैं केमिस्ट्री टीचर आपका वेलकम करता हूँ एक नए चैप्टर में। स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि 11th में ऑलरेडी आपने गैशियस स्टेट के बारे में स्टडी किया है, लिक्विड स्टेट, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज 11th स्टैंडर्ड में आ गई है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, क्लिक ऑन द बेल बटन सो दैट मेरा नया वीडियो आएगा उस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड यू कैन एन्जॉय माई वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। नाउ गाइस, अगर मुझे ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे बेसिक समझना होगा थ्री स्टेट्स के बीच में डिफरेंस, जो ऑलरेडी आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से स्टडी करते हुए आया हो। फिर भी एक थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा है कि देर आर थ्री जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा भी होते हैं बोज, आइंस्टाइन, कॉन्डेंसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। क्लियर? दैट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। नाउ इन आर डे टू डे लाइफ व्हाट डू यू ऑब्जर्व जनरली सराउंडिंग यू, कौन सा फिजिकल स्टेट बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हो? ऑब्वियसली सॉलिड। आप जहां पे भी देखते हो ज्यादातर आपको कौन सा फिजिकल स्टेट दिखाई देता है? इट्स ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट। क्लियर? हमारे सराउंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्लियर? उनके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड दे हैव डिफरेंट नेचर। क्लियर? एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि बकेट होता है या कंटेनर जिसमें हम वाटर लेते हैं, या फिर यूटेंसिल्स जिसमें हम फूड को कुक करते हैं, या फिर कंप्यूटर, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उन सारे सब्सटेंस का यूज होता है उनके बॉन्डिंग पे और उनके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, मूविंग ऑन। फर्स्ट, लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, बेसिकली दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके, व्हाई आर दे कॉल्ड फ्लूइड्स? बिकॉज दे कैन फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन मूवमेंट, उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, हाँ, लिक्विड का मूवमेंट स्लो होगा, कंपैरेटिवली गैस का मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन अगर आप सॉलिड के बारे में देखोगे तो सॉलिड जो होता है, जैसे ये लैपटॉप है, क्या ये मूव हो सकता है? लैपटॉप यहाँ पे आप देख सकते हो, नो, इट कैन नॉट मूव, यानी दे आर नॉट फ्लूइड्स। सो बेसिकली सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैशियस पार्टिकल, येस ऑफ कोर्स दे आर फ्लूइड्स। क्लियर? चलिए, देर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वैसे सॉलिड की तो प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, दे हैव डेफिनाइट शेप, दे हैव डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव डक्टाइल प्रॉपर्टी, दे हैव मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? अब बेसिकली सॉलिड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट में थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी, दे मे नॉट कंडक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड बॉन्डिंग इन साइड दैट। सो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के बारे में आपको पता है। लेकिन सॉलिड्स में बेसिकली कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड्स, क्लियर? एक होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एमॉर्फस, अच्छा, ये जो एमॉर्फस वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो ग्रीक पे से आया। एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्म। क्लियर? अच्छा, एमॉर्फस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एमॉर्फस दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर विद अ रेगुलर पैटर्न, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर विद अ रेगुलर पैटर्न एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। यानी अगर मैं वन पार्टिकल के बीच में सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे पार्टिकल को अरेंज करता जाऊं तो अप टू सर्टेन शॉर्ट डिस्टेंस ओनली वो रेगुलरली अरेंज होंगे। क्लियर? उसके बाद रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होगी, वो इरेगुलर हो जाएंगे। अच्छा, इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो आप एक देख सकते हो कि चलो एक काम करते, एक बॉक्स लेते हैं, उसमें मार्बल्स डाल दो, ठीक है। अब मार्बल्स आपको रेंडमली पूरी उठा के ऐसे कैसे डाल देनी है? क्या वो अरेंजमेंट परफेक्ट होगा? नहीं, वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, कुछ इरेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखेगा। हाँ, दो चार मार्बल्स एक लाइन में दिखेगी, लेकिन उसके बाद
लाइन ब्रेक हो जाएगी, वो मार्बल्स का अरेंजमेंट ही रेगुलर हो जाएगा। तो वैसे के वैसे एमोरफस में भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और डिस्टेंस अप टू शॉर्ट वो रेगुलर रेंज होता है, उसके बाद इरेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती। क्लियर? अच्छा, अगर मैं उसको मेल्ट करूंगा तो क्या होगा? तो दिस सॉलिड्स ऑब्वियसली दे कैन मेल्ट, दे कैन सॉफ्टन बट एट सर्टेन टेम्परेचर। देखो यहां पे वर्ड यूज किया है सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर वर्ड यूज किया है। क्यों सर्टेन? क्योंकि उनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, डेफिनाइट नहीं होता। जैसे कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस ऑफकोर्स। तो वो जब आइस मेल्ट होता है ना, तो उसका टेम्परेचर जीरो होता है, यानी पहले मॉलिक्यूल से लेकर लास्ट मॉलिक्यूल तक उसका टेम्परेचर जीरो ही रहेगा जब तक वो लास्ट मॉलिक्यूल मेल्ट नहीं होता, वो डेफिनाइट हो गया। लेकिन यहां पे वर्ड यूज किया है सर्टेन, यानी पहले मॉलिक्यूल से लास्ट मॉलिक्यूल जब मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। शायद 1 से 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये फ्लक्चुएट होता रह जाए। यानी आपको एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कभी भी मेल्ट नहीं होता। क्लियर? यस, यू कैन मेल्ट देम, यू कैन मोल्ड देम, बट नॉट एट फिक्स टेम्परेचर, यू विल गेट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, उसके बाद अगर आपको डिजायर शेप में वापस करना हो, यू कैन कन्वर्ट इट, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिड में एक्वायर क्रिस्टलाइन फॉर्म एट सम टेम्परेचर, सम टेम्परेचर। यानी ऐसा नहीं है कि सॉलिड जो एमोर्फस सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में भी होता है। उसके बाद ज्यादा हीटिंग करोगे तो उसका एमोर्फस फॉर्म क्लियर होता क्लियर होने लगेगा। ओके, देन सॉलिड्स, दिस सॉलिड्स एमोर्फस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो वेरी स्लोली, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो वेरी स्लोली। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है। बेटा यू आर राइट, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। जब आप अमॉर्फस सॉलिड को मोल्ड करोगे तो उसमें कुछ पार्टिकल फ्लो होके एक एंड पे आ जाएंगे। क्लियर? ड्यू टू विच वो एग्जैक्ट परफेक्टली सॉलिड नहीं बोला जाता, वो फ्लो होते हैं, फ्लो होने की एबिलिटी, यानी लिक्विड होता है, दिखने में सॉलिड है लेकिन दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, इसलिए वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्लियर? पुराने जमाने में ग्लास जो होता है, या फिर हमारे यहाँ पे भी जो ग्लास होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो एक एंड जो होता है ना उसकी थिकनेस और दूसरे एंड की थिकनेस में डिफरेंस दिखेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्यों? क्योंकि जब मैं ग्लास को मोल्ड करूंगा ना, तब ग्लास के कुछ पार्टिकल फ्लो होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, और फ्लो होके एक साइड पे कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक साइड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, दूसरे साइड की डेंसिटी कम हो जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, दे हैव आइसोट्रॉपी नेचर। चलो, आइसोट्रॉपी नेचर का मतलब क्या हुआ, आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? चलिए, आइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ पहले हमें यह समझना है। ओके, आइसोट्रॉपी यानी सपोज मैं ऐसे बोलू कि ये सारे पार्टिकल्स है यहां पे आप देख सकते हो, लेकिन इरेगुलरली अरेंज्ड है, ये सारे इरेगुलर अरेंज्ड है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डायरेक्शन से कुछ प्रॉपर्टी मेजर करूं और वही प्रॉपर्टी के डायरेक्शन मेजर करने के डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये ले लूं, तो चाहे मैं ये डायरेक्शन लूं या ये डायरेक्शन लूं, उस प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम मिलता है, सिमिलर होता है। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मुझे इरेगुलरिटी हर एक एंड से दिखेगी, ये एटम की इरेगुलरिटी है, ऐसे भी इरेगुलरली अरेंज्ड है, ऐसे भी इरेगुलरली अरेंज्ड है, किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो वो इरेगुलर अरेंज ही होता है, इसलिए हर एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज कभी नहीं होगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। क्लियर? एकदम समझ में आ गया? सो एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में अगर पढ़ना हो तो क्या याद रखोगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इरेगुलर रेंज अप टू सर्टेन रेंज ओनली, दे हैव अ रिपीटिंग पैटर्न, दे डोंट हैव स्पेसिफिक टेम्परेचर, दे हैव अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट दे कैन बी मोल्ड इन टू डिफरेंट शेप्स, येस दे कैन एक्वायर क्रिस्टलाइन फॉर्म बट अप टू सर्टेन टेम्परेचर ओनली, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो बट वेरी स्लोली, सो दे एग्जैक्टली दे आर नॉट सॉलिड, दे आर स्यूडो सॉलिड, दे आर सुपर कूल लिक्विड एंड दे हैव आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। क्लियर? ये हो गया एमोर्फस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, ग्लास, रबर, एमोर्फस सिलिकॉन, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, दिस आर टाइप ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सिलिकॉन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। चलिए,
सो एमॉर्फस सिलिकॉन इट इज अ फोटोवोल्टिक मटीरियल, ठीक है, जो सनलाइट में यूज हो सकती है, मीन्स सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। एमॉर्फस सिलिकॉन को हम लोग फोटोवोल्टिक मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? सो दिस दैट्स ऑल अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दिस रेंज ऑफ सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, दे हैव अ ब्रॉड रेंज। ये इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको अरेंज करोगे तो रेगुलर पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रेगुलरली अरेंज होंगे और लॉन्ग रेंज तक अरेंज होंगे, यानी परफेक्टली लॉन्ग रेंज तक एटम का पैटर्न रिपीट होता है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न रिपीट होता है। क्लियर? दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, चलिए, तो एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर लॉन्ग, दे आर अरेंज इन अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच अरेंज कंटिन्यूसली रिपीट एट एनी डिस्टेंस, एट अप टू लॉन्ग डिस्टेंस यू कैन से। क्लियर? चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। अगेन, पहले मैंने जो एमोरफस में एक्सप्लेन किया था वो बहुत शार्प होता है, यानी फिक्स होता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मुझे मेल्ट करना हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है, इट कैन मेल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? हाँ, इट इज एन आइसोट्रॉपी इन नेचर। एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ? एन आइसोट्रॉपी का मतलब समझना है तो इसका मतलब आइसोट्रॉपी जो है उसका उल्टा। देखिए, यहां पे आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप एक एक बहुत अच्छा सा डायग्राम देख सकते हो। ये रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट है, ये रेगुलर पैटर्न, ठीक है, ये देखो, ये रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली अरेंज, रेगुलरली अरेंज, ऐसे भी आप रेगुलर अरेंज कह सकते हो, ठीक है। क्लियर? इस तरह से भी रेगुलर अरेंज, इस तरह से भी, यानी हर एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रेगुलरली अरेंज, हर एक डायरेक्शन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब आप ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ए डैश वाला और बी बी डैश वाला अरेंजमेंट देखो, आप क्या देखोगे? यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट। ये जो ए ए डैश वाला है उसमें सारे रेड बॉल्स दिख रहे हैं अरेंजमेंट, और ये जो बी बी वाला अरेंजमेंट है यहां पे आप देख सकते हो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया है। रेगुलर पैटर्न लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंजमेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, राइट? ये एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है। यानी अगर मैं ए ए डैश और बी बी डैश के डायरेक्शन से मेजर करूंगा, यानी इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से मेजर करूंगा बी वाला, तो ये दोनों डायरेक्शन में मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी। अब आप बोल रहे हो कि सर ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोला कि डिफरेंट होती है, एमोरफस में बोला कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है? आई विल से प्रॉपर्टी लाइक मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारी डिफरेंट होती है, डिफरेंट रिएक्शंस में से डिफरेंट होती है। क्लियर? ये हमेशा याद रखना। यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म एन आइसोट्रॉपी होता है, एमोरफस फॉर्म आइसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एन आइसोट्रॉपी यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मेजरमेंट, एमोरफस फॉर्म में आइसोट्रॉपी यानी डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो भी उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। रीजन, एमोरफस में किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो इरेगुलरिटी ही देखेगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज एन आइसोट्रॉपी वाली। अब एज आई सेड, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये रही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। क्लियर? एकदम फाइन। मेटालिक एलिमेंट्स जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड, एग्जाम्पल दिया है। ऑन द अदर एंड दूसरे नॉन मेटल जो क्रिस्टलाइन होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन उनका नेचर तो क्रिस्टलाइन ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सल्फर है, फॉस्फरस है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड, आयनिक सॉलिड्स है, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं। दिस ऑल आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। यानी अगर मुझे फर्दर क्रिस्टलाइन फॉर्म को कैटेगराइज करना पड़ेगा तो मैं उसको फोर कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोरफस फॉर्म दोनों दिखता है, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस फॉर्म। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ठीक
ठीक है, कॉज, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कॉज, यानी कॉज होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन अगर कॉज के साथ मैं ग्लास वर्ड यूज करूं तो वो एमोर्फस फॉर्म होता है। कॉज होता है वो मिनरल है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिलिका का मिनरल होता है जिसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉज होते हैं। कॉज एक पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, कॉज एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट टाइप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक होता है कॉज, वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है कॉज ग्लास, वो होता है एमोर्फस। इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ चुका है, प्लीज ये याद रखना, कॉज यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म, कॉज ग्लास यानी एमोर्फस फॉर्म। ठीक है, ये डिटेल अरेंजमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो नेसेसरी नहीं है फिर भी आपको रीड करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना और रीड कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि ये टू डायमेंशन कॉज कितना मस्त रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट, देखो ये हेक्सागन, ये हेक्सागन जैसा, ये हेक्सागन नहीं है लेकिन जिस एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूरा पैटर्न ये कैसे रिपीट हो रहा है, रैपिड रेगुलर रिपीटेशन आपको दिख रहा है ना, कॉज क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन उसके अलावा अगर आप सेकेंड डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो तो हाईली इरेगुलरिटी है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, है वो कॉज ग्लास यानी कॉज का ही फॉर्म है लेकिन इरेगुलरिटी है, इसलिए वो हो जाएगा एमोर्फस फॉर्म। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। सो लास्टली बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, यहां पे एक टेबलर फॉर्म में मैंने अगेन डिफरेंस दे दिया है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, सेम डिफरेंस है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। शेप कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, क्लीवेज थर्ड वाली प्रॉपर्टी। अगर आप सॉलिड को दो हिस्सों में कट कर दोगे या चार हिस्सों में या 10 या 100 हिस्सों में कट कर दोगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें चाहे जितनी भी पीसेस बनाओ, हर एक पीस की जो सरफेस है वो स्मूद ही रहेगी, वो सिमिलर रहेगी टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वन, यानी बड़ा सा टुकड़ा जो होता है उसकी सरफेस जो स्मूद होती है, कट करने के बाद मुझे जितने भी पीसेस होते हैं हर एक पीसेस की जो स्मूदनेस होती है वो सेम, वो मेंटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती। एमोर्फस फॉर्म में ये उल्टा है। ठीक है, एमोर्फस फॉर्म में अगर आप उसको कट कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, टुकड़े कर दोगे तो उसकी जो शेप होगी वो स्मूदनेस होगी, अगर स्मूदनेस है तो चली जाएगी, रफ सरफेस हो जाएगा, सारी सरफेसेस हर एक पीसेस में चेंज हो जाएंगे। यानी क्लीवेज प्रॉपर्टी में एमोर्फस में शार्प एजेस जो होते हैं उसे टूल से कट करके आप दो पीस बनाओगे तो प्लेन मेंटेन रहेगी, स्मूथनेस मेंटेन रहेगी, वही चीज़ एमोर्फस में मेंटेन नहीं रहती, क्रिस्टलाइन में, सॉरी क्रिस्टलाइन में मेंटेन रहती है, एमोर्फस में मेंटेन नहीं रहती। क्लियर, हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्पेसिफिक होता है, एमोर्फस में स्पेसिफिक नहीं होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रू सॉलिड्स है, एमोर्फस फॉर्म ट्रू सॉलिड्स नहीं, वो स्यूडो सॉलिड्स। क्यों स्यूडो सॉलिड्स मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसके कुछ पार्टिकल फ्लो होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज थी क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म सॉलिड स्टेट में पहला पार्ट, टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की कैटेगरी एक्सप्लेन करूंगा, फोर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट दे दो, मुझे पता है मैंने अच्छा पढ़ाया है, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दे दो, शेयर करो, बेल बटन पे लिंक करो ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालो आपको मैसेज मिल जाएगा तुरंत, एंड यू एन्जॉय माई वीडियो, कीप वॉचिंग दैट वीडियो, थैंक यू।